Hi guys, welcome to my channel Trusty Wonders. So this is day 2 here in Turuk. So आज जो हमारा plan है कि यहाँ से हम लोग जो भी आसपास के जगह है, जो देखने लायक जगह है और जो व्यू पॉइंट्स है वहाँ पर जाएंगे और आपको वहाँ पर जो भी व्यू है, जो भी कुछ है उससे आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर मतलब आप क्यों आएंगे. सो बने रहिए, अभी ब्रेकफास्ट टाइम है. तो ब्रेकफास्ट लेने के बाद जब हम लोग रेडी हो जाएंगे, मतलब ड्रेस अप हो जाएगा हम लोग का, फिर हम लोग निकलेंगे. ये जो व्यू है ये हमारे होम स्टे के साइड का. तो यहाँ कर और भी मतलब एक ही मालिक का और है, वहाँ पर कुछ रूम्स है. रात को मैंने दिखाया था कुछ, मतलब फर्स्ट वीडियो में, तो शायद उसमें उतना दिखा नहीं, तो आज मैं डिटेल में दिखाऊंगा. बने रहिए, चलिए ब्रेकफास्ट में देखते ब्रेकफास्ट में क्या है. चलिए, ये ब्रेकफास्ट का समय है और हमारे लिए ब्रेकफास्ट में रोटी, सब्जी और प्याज है. मतलब आप अपने हिसाब से भी ऑर्डर कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे. आप अगर आपको मैगी अच्छा लगे तो भी मिल सकता है. तो हमने तो रोटी का ही ऑर्डर किया. चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं. गाइज, ये है सामने का नज़ारा. ये जो प्रेयर फ्लैग्स है ये आपको हर जगह पे दिखाई देगा पहाड़ पे. अगर आप घूमने आए तो देखिए ये सामने का जो नज़ारा है बहुत ही सुंदर है. मतलब हम लोग रात को यहाँ पर आए थे तो रात का जो यहाँ का जो दृश्य है वो मतलब इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टू वर्ड्स. बहुत ही सुंदर. पहाड़ में आए और फूलों का चर्चा ना हो ये तो हो नहीं सकता. यहाँ पर किसी भी होम स्टे पे जाइए तो यहाँ पर आपको हर रंग का फ्लावर दिखेगा जो कि बहुत ही खूबसूरत है. और आप उसे देखिए, उसका मज़ा का लुत्फ़ उठाइए. Hi guys, so now we are ready to explore the places in Turuk. क्या क्या जगह है, अब हमारे साथ बने रहिए और enjoy कीजिए. देख सकते हो, all we are ready. One minute, I want to show one thing. Just follow ना रे बाबा. कोयली को देखो, इतने excited है घूमने गया. बहुत अच्छे से सच के देखे, पैरों में देखे, चप्पल पहन के निकल गया, out of excitement. और मिस्टर अमलान एंग्री यंग मैन. और हमारी रियो भी रेडी हो चुका है. चलो ओके, सो लेट्स गो. गाइस, द जर्नी बिगिंस.
तो आज बहुत सारे डेस्टिनेशन में जाना है। जो फर्स्ट डेस्टिनेशन है वो नामथिंग पोकरी लेक, तो उसको देखने के बाद हम लोग जो ऑरेंज गार्डन है वहाँ पर भी हम लोग जाएंगे। तो बने रहिए एंड एंजॉय कीजिए हमारे साथ। एक प्रॉब्लम अभी जर्नी करने का है कि आपको ऑरेंज नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ पेड़ दिखाई देगा लेकिन विदाउट ऑरेंज। तो यहाँ पर एक लैंडमार्क आप याद करके रखेंगे, कोयला गोडाउन। सो ये यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, इधर से दोनों रास्ते जाते हैं, पीछे की ओर और एक ये सामने की ओर। तो आपको ये सामने वाला रास्ता लेना है। यहाँ पर ज़्यादातर आपको पाइन फॉरेस्ट मिलेगा, देखिए पाइन ट्रीज। So now we are in front of Namthing Pokri Lake. So you can see here, lake में पानी तो नहीं है अभी, लेकिन पूरा pine forest। चलिए जाते हैं Namthing Pokri Lake। देख सकते हैं आप Namthing Pokri Lake, पर यहाँ पर कोई पानी नहीं है। यहाँ पर क्या नोटिस है थोड़ा सा देख लेते हैं। इट इज हियर बाय इन्फॉर्म दैट ऑल द पीपल नॉट ट्रेड द इंडिजिनस स्पीसीज बाय अननेसेसरी एक्टिविटीज स्विमिंग प्लेइंग एटसेट्रा। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, अगर आप यहाँ पर आए तो ये सब नहीं कर सकते। पर देखिए, अगर शायद यहाँ पर पानी होता तो दिखने में बहुत ही अच्छा लगता। देखिए चारों ओर पाइन पेड़ और उसके बीचों बीच ये लेक। ये पाइन फॉरेस्ट से चलने का मजा ही अलग है, मतलब शेडेड पाइन ट्रीज। तो इस समय अगर आप आएंगे तो आपको पानी नहीं मिलेगा, तो आपको खुद को इस पाइन ट्रीज से संतुष्ट होना पड़ेगा या फिर संतुष्ट करना पड़ेगा। तो चलिए अंदर जाते हैं। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है ना, वो एकदम ही अलग है, एकदम रिफ्रेशिंग एटमॉस्फेयर। पूरा पाइन फॉरेस्ट है, ये देख ही सकते हैं आप। फोटो लेने के लिए तो एकदम परफेक्ट जगह है ये। बाकी सब पलटन पीछे है, तो पहले मैं आके यहाँ पर देख रहा हूँ। तो यहाँ से आपको मैं दिखा रहा हूँ कि जो लेक है, एक्चुअली दिस इज द लेक, ये रहा। तो अभी ये फील्ड लग रहा है, लेकिन यहाँ पे शायद रेनी सीजन में, शायद नहीं, रेनी सीजन में यहाँ पे पानी पूल होगा। तो रेनी सीजन में ये नज़ारा और भी अच्छा होगा। चलो, पूरा पलटन आ चुका है। रियो हैप्पी। तो देखिए सब फोटो खींचने में व्यस्त है, तो मैं भी क्यों पीछे रहूं। चलिए, तो मैं भी एक अच्छा सा फोटो खींच लेता हूँ।
हाय गाइस, सो अभी हम लोग ऑरेंज गार्डन की ओर जा रहे हैं। तो ये ऑरेंज गार्डन होके हम अपना होम स्टे में रिटर्न करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ऑरेंज गार्डन, ऑरेंज तो नहीं मिलने वाला है लेकिन बोला कि फूल है अभी, देखते तो वही देखना है। चलिए, रास्ते के साइड में ही है। सो दिस इज द ऑरेंज गार्डन ऑफ सिटोंग। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑरेंज तो है नहीं, सिर्फ यहाँ पर जो ऑरेंज है, मैंने बोला ऑरेंज है नहीं पर ऑरेंज है, फूल दिखाई दे रहा है उसके साथ ऑरेंज भी है। आप अच्छे तरीके से अगर देख पाए तो सीधा जो है वो एक वहां पर ऑरेंज है। तो यहाँ पर तो ऐसा कोई रास्ता है नहीं, तो आपको ऐसे बना के जाना पड़ेगा। गाइस, अंदर घुस के हम लोग को मालिक मिल गया। पहले तो उन्होंने डराया कि हमने बिना परमिशन या इधर आए तो हम लोग को फाइन देना पड़ेगा। तो बाद में उन्होंने बताया कि वो मजाक कर रहे, कि हमने बताया कि हम लोग ऑरेंज देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है। तो उन्होंने बोला कि वो हम लोग को दिखाएगा कि कुछ ऑरेंजेस है। ये मिर्ची है। अच्छा अच्छा, एक लंका है। अच्छा, देखें तो दादा सुनने कथा, ये मिर्ची है, ये इलायची है। अच्छा, इलायची का फूल दादा, ये मैं दिखाता हूँ। ऐसे उधर नहीं जाना है दादा। अच्छा, ऑरेंज है क्या? ऑरेंज सिर्फ दिखना है मतलब? अच्छा, ऑरेंज को दिखने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो ऑरेंज। ओ अच्छा 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 अच्छा, तो शायद आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ऑरेंज है। वही तो ऑरेंज। तो ये सिटोंग का जो ऑरेंज का पेड़, वही ये पक्षी पक्षी के लिए रखा हुआ है ये। अच्छा अच्छा, पक्षी खाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये आपको दिखाई दे रहा है कुछ ऑरेंज ही है सिर्फ, ये सिर्फ पक्षी के लिए रखा गया है, वो लोग खाते हैं। और बाकी जो मतलब नहीं तोड़ना, तोड़ दिया है टू मंथ टू हाफ ढाई महीना पहला तो नहीं है। तो आपको एक चीज दिखाते हैं कि यहाँ पर ना ये वाला इलायची है, बड़ा इलायची। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छोटा छोटा ऑरेंज, ये ऑरेंज अभी हो रहा है। हाय गाइस, सो नाउ वी आर इन द गार्डन ऑफ सिटोंग, जो ये ऑरेंज गार्डन है। तो यहाँ पर ये ऑनर है गार्डन का, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब आप कभी भी आइए गार्डन में, आप देख सकते हैं, लेकिन आपको परमिशन लेना है क्योंकि ये लोग बहुत शिद्दत से यहाँ पर जो भी ग्रो करता है वो लोग करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो किसी तरीके से अगर पेड़ पौधे को कोई भी नुकसान पहुँचता है तो इन लोग को बहुत ख़राब लगता है। तो आप इन लोगों से परमिशन ले लीजिए, तो ये लोग आराम से आपको दिखा देगा कि क्या क्या यहाँ पर ये लोग उगाते हैं। आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी आई हैव बीन गिफ्टेड वन ऑरेंज, क्योंकि अभी ये ऑरेंज का समय है नहीं कुछ है। हाँ, क्योंकि कुछ ऑरेंज दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि मतलब ये रखा गया इसलिए क्योंकि वो पक्षियों के लिए रखा गया है। तो उनमें से हम लोग को एक दो तोड़ के दिया गया। सच में बहुत ही अच्छा है, उनसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। इधर आपको और भी कुछ व्यू दिखाते, ये पूरा गार्डन जो है वो ऑरेंज गार्डन है। टमाटर लगे हैं ये।
तो इसको रूफ टोमेटो बोलते हैं। देखिए आप इस तरीके का पेड़ हमारे प्लेन में नहीं देखेंगे। अब देखिए खास करके उसको उसको निकल दी, वो अच्छा है वो वाला। हाँ अच्छा, चलिए हम लोग दिखाते हैं आपको ये वाला। देखिए ये टोमेटो जो है इसको रूफ टोमेटो बोलते हैं। खाने में एक दो तीन मिनट को, एक दो मिनट को फर्क पड़ेगा। एक मिनट ज्यादा जैसे बैल करना पड़ेगा इसको। अच्छा, और दूसरा को दो मिनट आए थे, इसको तीन मिनट कर दीजिए। तो इसको रूफ टोमेटो बोला जाता है। तो बहुत कुछ देखिए, हम लोग तो यहाँ पर देखने आए थे। ऐसा लगता है ये या फिर कोई स्पेसिफिक टाइमिंग है? सारी टाइमिंग टाइम सीजन होता है ना, सबके सीजन तो होता है। अभी इसका सीजन खत्म हो गया, फूल लग रहा है, अभी इसको तोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना सुंदर से ये फूल। हेलो, चलो अभी। अच्छा अच्छा, आप तो रुक जाएंगे? हाँ अभी रुक जाएंगे। तो आप तुरक में रह के ये सब जगह आराम से देख सकते हैं। घूमते घूमते देखिए इवनिंग हो चुका है और अभी तक हमने लंच नहीं किया। तो चलिए और अभी हम लोग सीधा होम स्टे में जाएंगे और हमारा जो स्वादिष्ट लंच हमारे लिए वेट कर रहे उनका लुप्त उठाएंगे। One hour later. Hi guys, so this is lunch time. Actually, lunch तो आज हुआ नहीं, वो इवनिंग का हो गया। इवनिंग स्नैक्स हम लोग लंच से ले रहे हैं क्योंकि आज बहुत देर हो गया। तो आप देख सकते हैं ये आलू चोखा, राइस और ये दाल, और यहाँ पर है जो चिकन, गर्मा गर्म चिकन। सो दिस इज लंच टेकिंग इन इवनिंग टाइम। तो दोस्तों अलविदा लेने का वक्त हो चुका है। अगर आपको ये वर्चुअल जर्नी अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो में लाइक कमेंट एंड ऑब्वियसली वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आप नया है प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्चुअल जर्नी अहोलदारा पर। बाय बाय।